नमस्कार काफिला टीवी के दर्शकों को बहुत प्यार भरी नमस्कार। आज हम एक शो शुरू कर रहे हैं और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं पैम। काफिला टीवी देख रहे सारे दर्शकों मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। तो ये शो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है जहाँ पे हमारा हिंदी और पंजाबी मिक्स शो है। और पैम आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कब से योगा शुरू किया और योगा से आपकी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स आए और आप क्यों योगा हर दिन करती हैं। आई अज्यूम कि आप हर दिन करती हैं क्योंकि मैं जानती हूँ आप हर दिन करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रियंका फॉर हैविंग मी ओवर। योगा जैसे आपने बोला आई विल कंटिन्यू विद पंजाबी इफ यू वांट नो श्योर यू कैन गो ऑन। मैनू कुछ तकरीबन 10 साल हो गए योगा करदे नू। सो मेरी एक फ्रेंड ने मैनू योगा इंट्रोड्यूस किया सी क्योंकि जो अपना लाइफ स्टाइल हैगा जिवें आपां देखते हैं इट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रैसफुल हैगा सारिआं दा सवेरे स्पैशली जिवें कनेडियन लाइफ स्टाइल जो हैगा कम फेयर बींग अ वूमन यू हैव टू गो टू वर्क एंड दैन यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड स्टाफ एंड दैन वंस यू गैट मेरिड यू हैव किड्स यू हैव एक्सटेंडेड फैमिली देयर इज लॉट टू डील विद। उस सारे नू हैंडल करने लिए एक नॉट इवन वीमेन इवन मैनली इट्स प्रीटी हार्ड सारे लिए बहुत हार्ड सिचुएशन हो जाती है। तो मैं एक बैलेंस नू लिआउण लिए अपनी लाइफ में बहुत कोशिश कर रही थी बट काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो मेरी एक फ्रेंड ने मैनू योगा नाल इंट्रोड्यूस किया तो असी फॉर फन से एक क्लास लगाने लगे। पहली क्लास में मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं सी आ रही कि मेरे क्लास नू फॉलो करना है बिकॉज ओह एक हॉट योगा क्लास थी तो बहुत फास्ट क्लास चल रही थी। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग यू नो इट्स वेरी हार्ड क्योंकि योगा इज ऑल अबाउट माइंड। बड़ी फास्ट क्लास चल रही थी तो मैं सिर्फ उन्होंने फॉलो कर रही थी तो हाफ एन आवर 45 मिनट्स बाद मैं लग गया कि मैं आई एम डन क्लास। तो उस तो बाद क्लास ओवर हुई आई फेल्ट गुड थोड़ा ठीक लगे तो फिर मैं ऑन एंड ऑफ योगा क्लासेस ज्वाइन करती रही जो भी ऑपरचुनिटी मिलती सी काफ़ी योगा थान ऑपरचुनिटीज मिलती सी उदे ते भी जाती रही। बट आई थिंक बैक टू थ्री ईयरस बैक जो मैं रियल योगा का मतलब समझ आया मैं थोड़ी क्लास ज्वाइन की सी फ्यूजन फिटनेस दे विच पहली क्लास सैटरडे नो इट्स कॉल्ड इट्स सो थोड़ी स्लो योगा क्लास सी रेस्टोरेटिव क्लास उदे विच तुसी ब्रीदिंग टेक्निक्स ते काफ़ी फोकस किया वो ब्रीदिंग टेक्निक्स ते एंड आई स्टार्टेड टू कनेक्ट फील दैट कनैक्शन वो कनैक्शन कदे फील नहीं सी किया। उस तो बाद कॉन्सटेंटली आई हैड दैट क्रेविंग एवरी वीकेंड कि मैं क्लास नू मिस नहीं करना क्लास नू ज्वाइन करना है। सो बेसिकली जो तुसी वो कनैक्शन फील करना शुरू कर देने हो ते यू स्टार्ट टू फील दैट बैलेंस एवरीथिंग सीम्स लाइक अ बैलेंस हर एक चीज थानू एक बैलेंस विच फील होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज हाउ माई जर्नी हैव बीन इन योगा। योगा कर रही थी 10 साल तो बट देर आर सो मेनी पीपल आई सी इवन इन माई फ्रेंड सर्कल टू मेनटेन दैट बैलेंस दे डू योगा बट आई गैस बहुत जरूरी होंगे कि थानू वो एक रियल बैलेंस का एक रियल मीनिंग दा योगा दा पता होना चाहिए। बहुत ही चंगा है। मैं भी कभी कभी पंजाबी ते हिंदी में बोला नहीं क्योंकि साडा ऐ होण वाला है ते बहुत चंगा है तुहाडा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा आपने जो शेयर किया। ऐसा इंसान जिसने 10 साल तक योगा की प्रैक्टिस करी या ऑन एंड ऑफ किया और फिर मैं एक साधन बनी जहाँ पे आपको रियल मीनिंग पता चला योगा का। तो अभी हम ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम डेमो करेंगे बट बिफोर इवन आई स्टार्ट दैट मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी अपनी कि मैं डरते डरते जैसे पैम ने बताया पैम मैरिड है उनके बच्चे हैं जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में फीमेल का क्या रोल होता है और मेल्स का भी खासकर कैनेडा में। तो आपको स्नो साफ करनी है आपको घर साफ करना है आपको काम भी करना है सब कुछ खुद करके हम बहुत एक्सपर्ट तो हो जाते हैं पर साथ में अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं अपनी सेहत को। तो वो मेरे साथ भी था बीइंग इन दिल्ली लाइक कपल ऑफ इयर्स अगो 17 साल पहले जब मेरी योगा की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो डरते डरते पेड़ के पीछे खड़े होके मैंने योगा हिम्मत जुटाई थी कि मैं कुछ करूँ। क्यों हिम्मत क्योंकि इतना ज़्यादा फैट बॉडी थी आई वॉज 87 किलोज
तो 77 पाउंड्स मैंने लूज किया, अराउंड 33 किलोज लूज किया ग्रेजुअली विद योगा एंड बैलेंस ईटिंग. तो यहाँ पर जो हम ये सिर्फ हमारा मकसद एम यही था बताने का कि जब भी आप योगा शुरू करेंगे यू विल फॉल इन लव विद इट, क्योंकि आप अपने आप के साथ प्यार में पड़ जाएंगे. यू विल फॉल इन लव विद योर सेल्फ. तो आपको हर चीज, हर इंसिडेंट, हर एपिसोड ऑफ लाइफ आपको कुछ सिखाएगा, क्योंकि आप ठहरते हैं उसे फील करते हैं और वहां से कुछ नया निकल के आता है जो आपको इवॉल्व कराता है. दैट्स द बेसिक पर्पस. तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल शुरू करते हैं. तो पैम जो मेरी को होस्ट है एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव हर हियर, तो वो क्योंकि इतने समय से ऑनलाइन क्लासेस भी कर रही है मेरे साथ और फ्यूजन फिटनेस जिम है ब्रैम्पटन में, वहां पर भी वहाँ इंट्रोडक्शन हुई थी और कंटिन्यूएशन बाद में ऑनलाइन क्लासेस जैसे थ्रू आउट दिस पेंडेमिक पीरियड आपने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि थ्रू आउट पेंडेमिक पीरियड इट वॉज वेरी हार्ड टाइम फॉर एवरीबडी एंड आई थिंक दोज ऑनलाइन क्लासेस हैव यू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. काफी लोगों को आपने हेल्प करा है because in that it would have been very hard if at least those online classes were there, we were able to get rid of stress and plus especially that time we really needed to focus on that immunity and that really really helped those classes. That's amazing to hear and hear from a person who is fitness freak and who has you know always up to knowing something, experiencing something new. तो अभी हम अपने दर्शकों के लिए काफिला टीवी के माध्यम से यही लेके आ रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे हर संडे को वीकली ये प्रोग्राम रहेगा. तो आप हमें काफिला टीवी के फेसबुक पेज पे जाके आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि अच्छा ये आपका जो योगा किया उससे हमें ये फायदा हुआ, या ये योगा किया तो हम कर नहीं पाए तो हम उसको मोल्ड करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे. जैसे कि मेरी क्लास में हमेशा यही होता है, हम हमेशा इम्प्रोवाइज करते हैं. कभी हम दीवार पे चढ़ जाते हैं, कभी हम ब्लॉक्स रखते हैं नीचे. आई थिंक यू शुड नेम योर क्लास योगा विद फन. योगा फन, योगा फन. तो ये आज नाम पैम ने दिया है, हम बहुत प्यार से इसको ग्रहण करेंगे. आई वुड लाइक टू अडॉप्टेड योगा फन, क्योंकि योगा आपको बोरिंग नहीं. आप माने कि बोरिंग है, माने कि स्लो है, स्लो में भी एक चार्म है उसका. आई थिंक जदों तक तुम योगा का मीनिंग नहीं समझ आता उदों तक तुम बोरिंग लगता है. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟ. ਚਾਹੇ ਸਲੋ ਯੋਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਫਾਸਟ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ. ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਸਟਾਰਟ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ. ਬਟ ਸਲੋ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ. Yoga has benefits, doesn't matter. Yeah. Slow, fast. Yeah. And we don't have to prove that yoga has benefit. Why don't you do it and know That's for true. yourself? क्योंकि दुनिया में celebrities कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं. आपकी human body है तो आप yoga कर सकते हैं, लेकिन जो animal है हम वहां से inspire होते हैं, जैसे downward dog, yes. या crocodile pose, या cat and cow pose. तो ये सारे नाम है yoga के. तो generally मैं संस्कृत नाम use करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादा रेजोनेट करता है. बट आप लैंग्वेज में ना पढ़े, पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी स्टाइल हो, अगर फिटनेस के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे फास्ट हो जैसे पैम ने कहा, वो भी ब्लेसिंग बन के आपके पास आया. आप कोई एक स्टाइल करोगे तो जानोगे आपके लिए कब तक वो अच्छा है या अच्छा है कि नहीं है, एंड देन स्लोली यू कैन चेंज दैट स्टाइल. तो हम पहला अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, योर स्टाइल सूट्स यू राइट. सो मेरा स्टाइल सूट्स, कईयों को स्लो स्टाइल सूट करता है, कईयों को फास्ट स्टाइल सूट फॉर श्योर. क्योंकि हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे वाता पित्ता कफा, अगर कफा वाले को आप स्लो स्टाइल कराएंगे उनके लिए रेकमेंडेड है, पर दे इनिशियली दे वोंट बी एबल टू डू इट. कफा मतलब सॉरी कफा मतलब स्लो होते हैं वो, अर्थी उनकी वो हिलते नहीं है ज्यादा. अब जो हिल रही है तो उनको हिलाना है, तो फास्ट स्टाइल उनके लिए बहुत अच्छा है. तो सन सैल्यूटेशन लाइक से 10 times, बट क्या फिजिकल स्टेमिना है उतना. तो हम पहले रूल्स गो थ्रू करते हैं कि जब आप शुरू करेंगे तो व्हाट. पहला एपिसोड है ये, तो हम बेसिक्स में जा रहे हैं और फिर आप बार 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 पुराने एपिसोड शायद देख सकते हैं या उनको रिकॉल कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं.
तो पहला रूल क्या है कि अपने स्टेमिना में रह के करें कोई भी चीज आप कर रहे हैं. जैसे हम कई बार 5 मिनट भी कोई पोस्चर में खड़े रहते हैं और वो 5 मिनट हो सकता है, यू आर ओके टू डू दैट. लाइक सम पीपल आर नॉट एबल टू सिट इन वज्रासना, और जिसमें पैम बैठी है वो है सुखासना. तो सुखासना इज कंफर्टेबल पोजिशन, पर अगर आपके नी में प्रॉब्लम है, मे बी दैट पोजिशन इज नॉट कंफर्टेबल, तो आप क्या करेंगे, आप चेयर पे कैसे भी यू नो कंफर्टेबल कंफर्टेबली जहां पे आपको लगता है कि कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं वहां आप बैठेंगे. दूसरी चीज कि आपका लाइट स्टमक होना जरूरी है कि आप खाना खाने से पहले योगा करें, या खाना खाया हुआ है तो 3 घंटे का टाइम दें और उसके बाद आप योगा कर सकते हैं. व्हाट डू यू सजेस्ट व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू डू योगा? देयर आर 4 टाइम्स एक्चुअली. अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्टेस्ट टाइम, जब आप उठते हैं और आपके आपने अभी अपने कामों में एंटर नहीं करा होता, आपका माइंड जो है वो थीटा लेवल पे होता है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला जिसको बोलते हैं, तो वो बेस्टेस्ट टाइम है. पर टाइम विंडो होती है, कोई टाइम विंडो आप बताएंगे कि सुबह के लिए कौन सी? AM PM टाइप्स. सुबह के लिए जैसे आप जिवें तुसी पंजाबी च क्या अमृत वेला, राइट? राइट. सो अमृत वेला किन्ने बजे तो 4 AM 4 AM से आपका वो चलता है 6 AM तक. ठीक. तो वो ऐसे ऐसे अमृत वेला तो 3 बजे शुरू होता है, तो जनरली दैट्स माय वेकिंग अप टाइम. बट कभी आपकी रात को लेट पार्टी हो रही है तो दूसरे और टाइम कैसे हैं, ब्रेकफास्ट से पहले. ठीक है, आपने बाकी काम कर लिए और ब्रेकफास्ट से पहले आपने योगा किया, लंच से पहले तो वो टाइम है, डिनर से पहले तो वो टाइम है, और डिनर के 3 घंटे के बाद, क्योंकि डिनर हमारा लाइट होता है, या सोने से पहले. तो दिन में 4 बार तो आपके पास टाइम इजीली, आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा. जैसे हम खाना खाते हैं कि आपको लग रहा है कि खाना तो खाना ही है, तो खाना खाने से पहले आप ये जो डोज लेते हैं ना कि योगा पिल, योगा की गोली ले लें आप, तो वो हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास टाइम नहीं है. एक तो मतलब कोई अच्छी चीज़ है आप टाइम निकालें, पर टाइम नहीं है तो गिव 10 मिनट्स आप उसको करें, और फिर आपको जैसे आपने बोला कि एडिक्शन लग जाती है जब आप कनेक्ट होते हैं. तो पैम आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ पंजाबी में भी बोलती रहे. मैनू लगता है कि जिस दिन मैं योगा नहीं करती ना, कदे टाइम स्केड्यूल मेरा बिजी होता जी, किसी दिन मिस हो जाता तो आई फील समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ, लाइक आज कुछ मिस होया. राइट. वो फीलिंग जिहड़ी हुंदी ना कि दिन अधूरा रहा, दिन पूरा नहीं होया, ओ रहंदी है जिस दिन योगा नहीं कर. मैं चाहती हूं सारे दर्शकों वास्ते कि तुहानू ए रोग लगे, दैट्स ट्रू, तुहानू ए लत लगे, ए एडिक्शन होए, आपको ये ऐसा लगे कि आज नहीं किया तो कुछ मिस कर रहे हो. प्लस आई थिंक बहुत वधिया टाइम तुसी चूज कीता ये सेशन स्टार्ट करने लिए, क्योंकि कल तो आपां लॉकडाउन च जा रहे हैं. आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों को इस ए समा होगा, प्लस काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है पेंडेमिक दे दौरान, प्लस लॉकडाउन करके काफी एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि जे आपां सारे 10-15 मिनट पूरे दिन स्पेयर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जेड़ा टाइम आपां कुछ कुछ सुन रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, उसी टाइम दे विच जे आपां 10-15 मिनट्स ओ अपने स्पेयर करते हैं, जो टाइम से आप टीवी देखते हैं कुछ प्रोडक्टिव करने लिए, क्योंकि ये सानूं बहुत ज़्यादा हैल्थ बेनीफिट्स है. ठीक है, जे आप देखते हैं कि हैल्थ बेनीफिट की है, साडा स्ट्रैस रिलीज होंगे, सानूं एंगजाइटी नहीं होगी, ये सोच सोच के लॉकडाउन टाइम होंगे एंगजाइटी काफी सारे बेनिफिट्स होंगे. प्लस सिर्फ 10-15 मिनट है, क्योंकि 10-15 मिनट्स तो स्टार्ट करके अगे I was about to say that, कि अभी हम आपको कोई चीज दे रहे हैं, जैसे पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, नहीं 2 मिनट, अच्छा 5 मिनट, तो ऐसे ही बीइंग मदर्स हम बिल्कुल, हमारी वो इंटेंशन है कि कोई चीज की आपको हल्की सी का लत लगे, इफ यू ट्राई, एंड वी रियली लाइक गारंटी वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए कैनेडा में बैठे, बट आई गारंटी अगर आप करेंगे तो थोड़े समय बाद आपको हेल्थ जो अच्छे रिजल्ट्स देगी उसकी वजह से आप करते चले जाएंगे. यू कैन नॉट गेट योगा और हेल्दी यू. तो अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, कि पहले जो पैम बैठे हैं यहाँ पे, ये है सुखासन. में अभी जैसे आप बैठ रहे हैं तो
आपका ध्यान जहाँ सीट है आपकी बटक्स और बटक्स का सेंटर आप ढूंढे। तो जैसे जैसे पैम बैठनी शुरू होएंगी, इंस्ट्रक्शन जाएंगी, तो जैसी इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ, आप चाहे घर पे चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, अपनी सीट पे। तो सीट का सेंटर आप ढूंढे। अब बहुत हैरानी की बात है कि ऐसे तो हमने सोचा नहीं था, तो लेट्स इंस्ट्रक्शंस के साथ करते हैं। सो आई एम सिटिंग एट द सेंटर ऑफ माई हिप बोन, आई एम एट द सेंटर ऑफ माई हिप बोन, I am right at the center of my hip bone. Changes. फर्क क्या लगा? जब आप बोलते हैं कि I am at the center of my hip bone, how difficult or easy it is for you to be at the center of your hip bone? शुरू से बताएं कि शुरू में मैं बता सकती हूँ, 17 साल पहले I had no clue. So likewise आप जब कर रही हैं अभी का experience and then पहले का experience आप बता सकते हैं। या जदों पहला मैं योगा शुरू किया सी पहली क्लास विच आई सी यू सेड द सेम थिंग के फील द सेंटर ऑफ योर बोन। पहला तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही सी अगे पिछे करके, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फील इट, कुछ फील नहीं सी हो रहा। बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड रिपीटिंग इट, बार बार कह के रिपीट करके, देन आई स्टार्टेड टू फील दैट कनेक्शन। एंड प्लस देर आर जिवें तुसीं कहने हो कि जिहड़े इक्विपमेंट्स आ उह वी कईआं नूं जिवें बैठन च प्रॉब्लम आउंदी उह वी हैल्प करदे हैगे, राइट? बट वैन यू स्टार्ट सेइंग इट एंड यू फील दैट थिंग एंड देन विद प्रैक्टिस इट कम्स आउट नैचुरली। या सो द फर्स्ट थिंग इज यू डू इट टुडे, आप आज करें और देखें कि सेंटर मिल रहा है, मोस्ट लाइकली नहीं भी मिलेगा। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंटल प्रैक्टिस के अपने आप को बोलते हैं तो वो हो जाता है। तो अगर ऐसा है, दोनों केसेस में आपकी विन है क्योंकि आपने कुछ तो किया। सेकंड थिंग इज आई वुड से कि वहां से हम ध्यान लेके जाएंगे अपने नोज पे और ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे। सो ब्रीद इन एंड फील द सेंसेशन ऑफ द एयर मूविंग इन टू द नोज एंड कमिंग आउट ऑफ द नोज। तो अभी आप सारे ये कर रहे हो साथ साथ में, जितने लोग कर रहे हैं, दो मिनट करते हैं और दो मिनट के बाद जैसे बिफोर एंड आफ्टर है आपको खुद ही पता चलेगा, हाँ जो ये दोनों कर रही हैं उसमें से अगर 100% नहीं तो आपको 70% तो पता चलेगा ही चलेगा, बाकी प्रैक्टिस और टाइम के साथ आएगा। सो वंस यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू? एक तरह की बॉडी लिफ्ट फील हो रही है, राइट? ठीक है, एंड वैन आई एम ब्रीदिंग इन, जो ब्रीद इन कर रही हाँ तो मैनू मेरी स्टमक अंदर ठाके लगे तो आई फील एयर गोइंग टू माई लंग्स, दैन आई एम जस्ट, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सा मूँह की थान बाहर क्डा, बट आई एम टेकिंग इट आउट थ्रू द नोज। एंड जो सा अंदर लै रहा तो सा बाहर लै रहा तो आई फील मोर गोइंग आउट, ज्यादा बार आ रहा है। तो मेरा यह क्वेश्चन होता है, इतना पहला ही आंसर करता कि क्वेश्चन होता है कि ब्रीदिंग इन ज्यादा है कि ब्रीदिंग आउट ज्यादा हैगी। तो मैं क्योंकि वीडियो च असी होंगे हाँ, मैं लाइव देखनी हाँ लोगों को, तो पता तो चल जाता है कि लोग की कर रहे हैं, पर थम्स अप ते थम्स डाउन का एक नाइस जेस्चर हैगा जेड़ा सानू दसता हैगा कि तुसी ज्यादा अंदर लै रहे हो कि ज्यादा कढ़ रहे हो, दोनों ही ठीक है कि नहीं, ऐसी जजमेंट कोई नहीं करनी हैगी है। तो क्वेश्चन नंबर जरा रूल नंबर टू हैगा, तुसी ब्रीदिंग ते ध्यान दोगे, पहला तुसी सिटिंग ते ध्यान दोगे, तो ब्रीदिंग करनी है तो करनी क्यों है, तो तुहानू फील की आता है जब तुसी ब्रीद इन करोगे, सांस आप अंदर लोगे तो चेस्ट फूलती है, डायफ्राम नीचे जाता है तो पेट भी बाहर निकलता है। That's the normal way of breathe in. ऐसा ही होना चाहिए, बट हम नॉर्मल से बहुत एबनॉर्मैलिटी में जा रहे हैं। हम सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है। आप बलून सोचें कि बलून है, हवा डाल रहे हैं तो वो बाहर आएगा, इन्फ्लेट होएगा कि अंदर जाएगा? The question for you. तो वहाँ पर ध्यान देने की बात है, रुकने की बात है कि रुक के सोचो कि ब्रीदिंग जैसी नॉर्मल चीज जो बॉडी ऑटोमेटिकली करती है उसको मैंने कितनी मेहनत से बिगाड़ दिया है, तो उतनी मेहनत से आपने ठीक करना है। मेहनत क्या है? पैम ने बोला कि आप कोई भी काम करो, ये फन योगा है, तो हम उसको बोरिंग नहीं करेंगे, बट फन क्यों? क्योंकि जैसे माँ बच्चे को पालती है तो वो ऐसे बर्डन समझ के नहीं
कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम फन की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं. तो दैट वॉज द रूल नंबर टू. अब हम शोल्डर्स पे जाएंगे जहाँ पे स्टिफनेस होती है, और नेक पे जाएंगे. कोई भी आप कलेक्टिव न्यूज़ सुने, जैसे आजकल पेंडेमिक में है, या कोई भी किसी का बिजनेस, किसी की जॉब, किसी का कुछ, किसी का काम, ग्रोसरी नहीं मिलने वाली, वर्क फ्रॉम होम मेन चीज, क्योंकि बाहर जाते हैं तो आप इंटरेक्ट करते हैं. हम सोशल एनिमल हैं, तो कम्युनिटी में जाके एक्सचेंज करते हैं अपने फीलिंग्स एंड ऑल, तो वी फील बेटर. पर आप घर के रिस्ट्रिक्शन में रहते हो, घर अच्छा है, पर जब हम कम्युनिटी है हमारी नहीं मिलते तो भी वो स्ट्रेस आता है. बच्चे को होमवर्क अगर करने को मिला है, और छोटा बच्चा, उसके लिए वो भी स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस जब आता है तो नेक में पेन एंड देन शोल्डर में पेन एक्सपीरियंस हम करते हैं. हाँ जी, ये आई थिंक मैं भी बहुत नोटिस किया, क्योंकि लेटली वर्क फ्रॉम होम करके जो मैं थोड़ा मेंशन किया था, मैं गया कि वर्क फ्रॉम होम काफ़ी देर कंप्यूटर दे अगे बह के तुम काम करते हैं एंड मैं लगता मोस्ट ऑफ द पीपल हूँ जिम्मे लॉकडाउन या पेंडेमिक करके वर्क फ्रॉम होम करते एंड काफ़ी सारिया अपनी सिटिंग जॉब्स है, करके थोड़ी बॉडी मूवमेंट बहुत घट होंगी है एंड थोड़े शोल्डरस से थोड़ी आईसाइट बहुत अफेक्ट होंगी है ना. ऑल द टाइम यूर स्टेयरिंग एट स्क्रीन. असी भी छोटे छोटे बच्चे देख लो, एक तो गेम्स खेलते हैं, एक स्कूल जो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन जिमें स्कूलिंग वास्ते रजिस्टर्ड है, सारा दिन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना. आई थिंक असी तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, पूरी फैमिली, पूरा संसार जो है सभी लोग अफेक्टेड हैं. तो जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम कि वो स्ट्रेस कैसे रिलीव हो सकता है, तो दो टेक्निक बताई. आप बैठेंगे, हिप बोन का ध्यान करेंगे कि सेंटर में है. सेकंड थिंग, ब्रेथ पे ध्यान करेंगे कि ब्रेथ वर्क कैसा है, आप उससे कनेक्ट होंगे. थर्ड थिंग, आप शोल्डर ऊपर लेके जाएंगे. तो शी नोज माय इंस्ट्रक्शन, तो अभी मैं बोलती हूँ. ब्रीद इन एंड टेक योर शोल्डर्स अप, होल्ड योर ब्रेथ देयर एंड योर शोल्डर्स. तो जब आप सांस लेंगे ऊपर और शोल्डर्स ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे जितनी देर रुक सकते हैं, फिर ब्रीद आउट करेंगे. ब्रीद आउट करते करते शोल्डर्स नीचे लेके आएंगे. बहुत सिंपल है, और ये टीवी देखते देखते आप कर ही सकते हैं. खाने खाए को 2 घंटे भी हुए हैं, लाइट मूवमेंट है, आप कर सकते हैं. पहला रूल मैंने बताया था कि 3 घंटे के बाद, बट दीज लाइट मूवमेंट्स, क्योंकि कुछ भी रिजिड नहीं है, हम योगा को फ्लेक्सिबल मानते हैं. तो रिजिड, कभी भी आप रूल्स में रिजिड रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे. नाइस. तो अभी मैं पैम के ब्रेथ, जब वीडियो में होता है तो मुझे सिर्फ पता चलता है जेस्चर से, बट अभी मुझे आवाज़ भी आ रही है, सो आई फील मोर कनेक्टेड. तो सांस लेके शोल्डर ऊपर और रोक लिया सांस भी और शोल्डर भी. कुछ देर रोक के हमने शोल्डर की तरफ देखना है. सो यू विल थिंक दैट शोल्डर्स, या and then bring your shoulders down, breathe out. तो shoulder को मन से भी देख सकते हैं, but shoulder को side में देखेंगे तो आपकी neck movement हो जाएगी. तो जिसको neck movement को हम ब्रह्मा मुद्रा कहते हैं, तो यहाँ से हमारा transition होगा towards ब्रह्मा मुद्रा. तो एक बार हम shoulder movement repeat कर लेते हैं. जितने लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि instructions आप नई चीज़ कर रहे हैं, बार बार, जैसे हम पहाड़े याद करते थे, tables करते थे, तो वो रेपिटेशंस होती थी. तो कोई भी अच्छी चीज़ की रेपिटेशन या बुरी चीज़ की, तो अभी हम चूज़ कर रहे हैं अच्छी चीज़ की. रेपिटेशन से आपके मन में बस जाएगी एंड दैट बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो अभी हम वापस रिपीट कर रहे हैं. सो ब्रीद इन एंड टेक योर शोल्डर्स अप, होल्ड योर ब्रेथ एंड शोल्डर्स एंड फील योर शोल्डर्स. नोटिस व्हाट योर शोल्डर्स आर डूइंग, व्हाट योर ब्रेथ वर्क इज डूइंग, एंड देन ब्रीद आउट एंड रिलीज इट. And you can hear the sound as well. And surely the breathe out is more. I don't have to ask you the question. Like usually, मैं question पूछती हूँ कि breathe in more कि breathe out more. So it's breathe out more. तो अभी ये signal since ये sign वैसे होता है, it's like down. But ये कितना अच्छा sign है अभी. तो आप कोई भी नई language बना सकते हैं अपनी पुरानी language के साथ. अगर कुछ misconception है या कुछ रॉन्ग क्रिएट करना है, तो वही रॉन्ग को आप राइट क्रिएट कर सकते हैं. दैट्स ट्रू. अभी हम सिंपल मूव बता रहे हैं, ब्रह्मा मुद्रा है जो नेक मूवमेंट है, और आपको पता चलेगा इसकी काफी वेरिएशन है, बट सिंपलेस्ट नॉर्मल ब्रेथ. टेक योर नेक ऑन द लेफ्ट साइड, सो मूव योर नेक आउट टू द लेफ्ट. धीरे धीरे जब नेक लेफ्ट में जा रही है, तो आपको क्या पता चल रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन, कुछ स्ट्रेच.
कुछ कॉन्ट्रैक्शन कुछ स्ट्रेच. तो मैं एक साइड में स्ट्रेच है एक साइड में कॉन्ट्रैक्शन है. तो अभी हम करेक्शन करने में आए तो बॉटम ऑफ द चेस्ट को पीछे लेके जाएगा स्लाइटली. तो जो बॉटम ऑफ द चेस्ट है समटाइम हम प्रोट्यूड आउट करते हैं, हम सबका डिफॉल्ट होता है. तो पैम का डिफॉल्ट मुझे पता था और दिख रहा था. तो अभी हम होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, एब्सोल्युटली नॉर्मल ब्रेथ है. तो जब आप होल्ड कर रही हैं आपका ध्यान कहाँ पे है, नेचुरली कहाँ पे है, क्योंकि स्ट्रेच है कॉन्ट्रैक्शन है तो आपका ध्यान बॉडी पे चला जाएगा. तो बाहर कहीं से भी, चाहे मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं और इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो भी ध्यान बॉडी में रहेगा. वापस आएंगे सेंटर में. तो जब आप वापस आते हैं तो जैसे वट पड़े हुए होते हैं और वो खुल रहे होते हैं ना, जैसे कोई स्पाइरल हो गई चीज और वो खुल रही है वापस. सो शेयर योर एक्सपीरियंस. या जो तो लेफ्ट वल मूव कर रही सी मैं जी, ब्रीद इन करते हुए जी, मैंने मेरी स्टमक दे विच मेरी कोर दे विच टक इन फील हो रहा सी राइट, एंड काफी ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा सी मेरी नेक दे विच, एंड जो बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील हो रही है शोल्डर्स वो फील हो रहा सी कि रिलैक्स आउट हो रही है. एंड अभी हम पूरा नहीं कर रहे हैं. हां जी, अभी हम आधे से भी आधे में हैं. सो लेट्स डू इट ऑन द अदर साइड. जैसे हमने लेफ्ट से शुरुआत करी, अब हम राइट की तरफ नेक टर्न करेंगे. तो ध्यान आपने पैम रखना है हिप पे, सेंटर हिप में है तो अपने आप आपकी बॉडी सेंटर में आ जाती है. देन यू विल टेक इट. सो आई वुड सजेस्ट जैसे हम नेक टर्न करते हैं ना तो कई बार शोल्डर भी मुड़ जाता है, तो शोल्डर सेंटर में रखें. शोल्डर को जितना सेंटर में रख सकते हैं उतना सेंटर में रखें. एंड देन बी हियर फॉर सम टाइम. तो जैसे आप यहाँ पे अगर आपका कोई मंत्र है, कोई जाप है, कुछ भी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, जितनी देर आप रुके हैं तो आपकी और कनेक्टिविटी होती है. फिर वापस आएंगे, धीरे से वापस आएंगे, एंड देन वापस आके इट्स द सेम फीलिंग. सो लेट्स कंटिन्यू विद चिन अप, मूव योर चिन अप 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 एंड फील द स्ट्रेच इन योर थ्रोट. तो जो जब ये स्ट्रेच आता है तो थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स के लिए कितना अच्छा है, तो वो अमेजिंग है. बट अदर देन दैट अभी हम लोकल पार्ट्स बता रहे हैं आपको, बट डीप बेनिफिट्स आपको आने वाले सारे एपिसोड्स में पता चलते जाएंगे. यहाँ पर भी जब पैम यहाँ पे रुकी हुई है तो उनका ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में हो सकता है, स्ट्रेच पे हो सकता है, टमी पे हो सकता है, हिप पे हो सकता है. जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन और इंडिकेशन मिलती जाएगी बॉडी से वहाँ बॉडी का ध्यान जाता रहेगा. तो ध्यान रादर देन बाहर की तरफ जाने की बजाय आपका अंदर जाएगा. सो दैट्स द एक्सट्रीम थिंग कि आप 10 जगह जो बटे हुए होते हो वो बटने से ज़्यादा आप कलेक्टिव होके एक जगह पे आ जाओगे. सो दैट्स अमेजिंग थिंग. धीरे से नीचे वापस. सो यू ब्रिंग योर चिन डाउन, एंड जिन लोगों को सर्वाइकल है वो चिन पूरी नीचे नहीं लेके जाएंगे, वो सिर्फ सेंटर में रोक के, एंड मूव योर चिन टुवर्ड्स योर थ्रोट. थ्रोट फर्स्ट, चिन, थ्रोट इन साइड. या सो दिस यू विल डू अगर आपको सर्वाइकल वगैरह है तो पूरा नीचे नहीं ले जाएंगे. जिनको सर्वाइकल नहीं है दे कैन पुट द चिन डाउन. नाइस. तो ये चीजें हैं कि क्या नहीं करना है, किन लोगों ने नहीं करना है, क्या चीज करनी है, और अगर करनी है आप कर ही रहे हैं तो कैसे कंप्लीटली उसको किया जा सकता है. सो दैट्स, अब हम वहां यहाँ से वापस आएंगे. सो धीरे से वापस आए तो कितनी देर रुकना है आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मैंने रूल नंबर 1 बताया कि आपका स्टेमिना और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो बॉडी तो पहले मना करेगी करने के लिए, बट जब आप उसको अलाउ करोगे तो अपना स्टेमिना देखना है. फिर धीरे धीरे हर दिन आपका स्टेमिना बढ़ेगा. सो हमने 3 मूवमेंट्स बताए. तो आज के लिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि 3 मूवमेंट है हमारी. तो जब तक आप नेक्स्ट पूरा वीक आपने हर दिन ये प्रैक्टिस करनी है, हर दिन हमारे फेसबुक पेज पे, आई थिंक सिर्फ 5 मिनट लगेंगे जो करना होगा. 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट ही लगने वाले हैं. तो 5 मिनट का प्रॉमिस आपने अपनी हेल्थ के लिए खुद को टाइम देना है. यस, ठीक है. सो पैम थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू दर्शकों, थैंक यू. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. थैंक यू सो मच.